Hi everyone, welcome to my channel. I'm Apoorva and first of all happy Navratri to you all. So आज हम लोग लेने वाले हैं माँ काली की गाइडेंस. ये चल रहे हैं नवरात्रि एंड ये बहुत अमेजिंग टाइम है गॉडेस काली की गाइडेंस लेने का इस टाइम पे. तो चलिए देखते हैं माँ काली का आप सभी के लिए क्या मैसेज है. ओम काली माँ काली काली के परमेश्वरी परमानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते. ओम काली माँ काली काली के परमेश्वरी परमानंद करी देवी नारायणी नमोस्तुते. ओम काली माँ काली के परमेश्वरी परमानंद करी देवी. इट्स अ ब्यूटीफुल कार्ड. जब भी ये कार्ड रीडिंग्स में निकल के आता है इसका सिंपल सा मैसेज ये है, माँ काली आपको ये बोल रही हैं आप ऑलरेडी सपोर्टेड हो. डिवाइन सपोर्ट बहुत स्ट्रांग है आपके पास में. ऑल्सो माँ काली आपको सपोर्ट कर रही हैं, आपकी हर सिचुएशन में वो आपके साथ हैं. वो आपको ये बताना चाहती हैं कई बार कुछ जो लड़ाई होती है वो दिमाग से जीती जाती है एंड आपको हर बार एग्रेसिव वे में होने की जरूरत नहीं है. आप सपोज किसी सिचुएशन में हैं और आप सोच रहे हैं कि आपको ऐसे एक्शन लेना होगा, इस तरीके से करना होगा, तभी आपकी विक्ट्री, तभी आपको विक्ट्री मिलेगी. माँ आपको ये कहना चाह रही है कि हर एक जो लड़ाई है वो आपको गन फायर से नहीं जीतनी होती है. पहली चीज तो आप अकेले नहीं हो, डिवाइन सपोर्ट है. ऑल्सो माँ काली आपको ये बता रही है कि जो भी आपकी लाइफ में सिचुएशन चल रही है आपने सरेंडर कर देना है, उस पर फाइट बैक नहीं करना है. चीजों को थोड़ा लूज छोड़ो, बिल्कुल टाइट पकड़ने की जरूरत नहीं है. खुद को टाइम दो, खुद को स्पेस दो, खुद के ऊपर ध्यान दो, खुद को समझो, खुद को एनर्जी. अगर आप किसी सिचुएशन में हैं आपको लगता है कि लड़ झगड़ के या फिर एग्रेसिव होके या फिर एक प्रॉपर एक्शन लेके आपकी विक्ट्री होनी है, माँ ये कह रही है कि हर बार ऐसे विक्ट्री नहीं होती है. अगर आप अपनी एनर्जी को, अपनी पावर को वापस लेते हो, ऐसे अपनी एनर्जी नहीं देते हो किसी को, वो भी एक विक्ट्री है. अगर आप बहुत एग्रेसिवली अपनी लाइफ की सिचुएशंस को, चीजों को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, माँ काली आपको ये बता रही है डिवाइन नोज कि कब आपको क्या चीज मिलनी है. अगर आप बहुत फोर्सफुली जितना आप ट्राई करो आप उतना अपनी चीज से दूर होते चले जाओगे. आपने चीज अंडरस्टैंड करनी है, आपने लीन बैक करना है. सपोज आप मैनिफेस्टेशन प्रोसेस में है एंड आप कंटिन्यूसली सोच रहे हैं कि मैं ये करूँ, ये एक्शन लूँ, ऐसे करूँ, वैसे करूँ. आप एग्रेसिवली एंड डेस्परेटली चीजों के बारे में सोच रहे हैं. आपने लीन बैक करना है, अपने पे ध्यान देना है. अपना सारा जो फोकस आपने यहाँ वहाँ दिया हुआ है वो सारी की सारी एनर्जी आपने वापस लेनी है, अपने में लेनी है. पहली चीज तो सिंपल सा इसका कार्ड का मतलब ये है. ऑल्सो ये जो कार्ड है दिखाता है डार्कनेस. काफी लोग आप में से ऐसे हो सकते हैं जो शायद से किसी भी चीज की वजह से गिल्ट में हो. शायद लाइफ में उनका ऐसा कुछ हुआ है जिसने एक बहुत ही गहरी चोट उनको दी है, परेशान हैं, अंदर टूटे हुए हैं. माँ काली आपको इतना बोल रही हैं यू आर नॉट अलोन, मैं तुम्हारे साथ हूँ. तुमने बस डिवाइन पे ट्रस्ट करना है, अपना कनेक्शन डिवाइन से स्ट्रॉन्ग करना है. जितना आप इस टाइम पे डिवाइन से अपना कनेक्शन स्ट्रॉन्ग रखो आपको लाइफ में उतना ज्यादा सपोर्ट आएगा. ऑल्सो प्रैक्टिस ग्रैटिट्यूड. अपने लाइफ की नेगेटिव जो डार्कनेस वाली चीजें हैं उनके ऊपर फोकस ना करके आपने ग्रैटिट्यूड, ग्रेटफुल रहना है, थैंकफुल रहना है. जो भगवान ने आपको इस टाइम पे दिया है उसके लिए आपको ग्रेटफुल होना है. अगर आप ऐसे पर्सन हैं जो नेगेटिविटी काउंट करते रहते हो, नेगेटिविटी, आप नेगेटिव बातों के बारे में सोचते रहते हो, आप कंप्लेन करते रहते हो, ये चीज आपने नहीं करनी है. माँ काली कह रही है चीजों को लेट गो करो, वापस लीन बैक करो, अपनी एनर्जी में अपनी पावर आपने वापस लेनी है. अगर आपकी लाइफ में कोई फाइट चल रही है जरूरी नहीं है कि आपको हर बार एक्शन लेना है. जस्ट अपनी एनर्जी वापस लेनी है, अपनी एनर्जी आपने कलेक्ट करनी है, खुद को हील करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक सिंपल सी गाइडेंस यहाँ पे ये भी आ रही है, माँ काली से अपना कनेक्शन और भी स्ट्रॉन्ग करो, उनका मंत्र जाप करो, उनके साथ मेडिटेशन करो. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट बिकॉज अगर आप ऐसा फील करते हो हमें नहीं पता हमें क्या करना है, लॉस्ट फील कर रहे हो, जब आपका कनेक्शन उस डिवाइन से एंड माँ काली से स्ट्रांग होगा एक चीज आप नोटिस करेंगे आपको अंदर से गाइडेंस आनी स्टार्ट हो जाएगी. माँ काली आपको ये बोल रही है कि आपने एक अपना जो कनेक्शन है माँ के साथ में उसे स्ट्रांग करना है. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. जो भी आपकी लाइफ में डार्कनेस है, आपने कुछ किया है, किसी ने आपके साथ किया है, इट्स टाइम टू रिलीज, लेट गो करने का है. अगर आप कंटिन्यूसली बहुत टाइम से फाइट करे जा रहे हो, कुछ चीजें नहीं हो रही हैं, इट्स टाइम टू टेक योर पावर बैक. दिस इज इम्पॉर्टेंट. माँ काली से कनेक्शन स्ट्रॉन्ग करो, माँ काली के मंत्र चैंटिंग करो, माँ काली का मेडिटेशन करो, माँ काली को ऑफरिंग दो. इस टाइम पे आप माँ से जितना कनेक्ट करोगे, जितना स्ट्रांगली कनेक्ट करो, बिलीव मी आपको बहुत अच्छा और जल्दी फल मिलेगा. नवरात्रि चल रहे हैं इस टाइम पर अगर आप माँ के मंत्र की चैंटिंग करते हो आपका कनेक्शन बहुत जल्दी बनेगा माँ से और स्ट्रांग भी होगा, ऑब्वियस सी बात है. एंड जो भी आपकी लाइफ की सिचुएशन, आप कंफ्यूज हो, आपके अंदर कुछ भी चल रहा है, वो चीज ठीक होने लगेगी. एग्रेसिवली चीजों के पीछे भागना नहीं है, डिवाइन पे छोड़ देना है, माँ पे छोड़ देना है. माँ सिंपल बोल रही है ट्रस्ट करो, अपनी पावर वापस लो, मुझसे कनेक्शन क्रिएट करो एंड मैं तुम्हें गाइडेंस दूंगी. I'll be there for you, I'll be with you. जो भी आपके पास में चीजें हुई हैं, जिसने जो भी किया है, जो भी होना था वो हो चुका है. आगे बढ़ो, अपनी एनर्जी को वापस लो, खुद पे काम करो एंड अब एक रेस्ट मोड पे आ जाओ। भागना नहीं है, टेंशन नहीं लेनी है, माइंड में 24 घंटे वो सब चलता रहता है, कैसे करना है, क्या करना है, ये एक्शन लूँ, ऐसे करूँ, वैसे करूँ। अपने आप को रेस्ट दो। ऑल्सो मैं आपको ये भी बोल रही हूँ, जब आप सिचुएशन में होते हो आपको वो समझ नहीं आता है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, बट माँ काली को पूरी पिक्चर पता है, आपका पास्ट पता है, आपका प्रेजेंट पता है, आपका फ्यूचर पता है, ठीक है। तो माँ को वो बड़ी पिक्चर के बारे में पता है। माँ सिर्फ इतना बोल रही है, ट्रस्ट करो मुझ। जहाँ तुमने लीन बैक किया, अपनी एनर्जी वापस ली, ग्रेटफुलनेस वाली एनर्जी में, ग्रेटिट्यूड की एनर्जी में आप आ गए, माँ से कनेक्शन स्ट्रांग हो गया, आपकी लाइफ अपने आप चेंज होने लगेगी। आपकी लाइफ में जो भी जंग चल रही है, जो भी सिचुएशन है, अपनी एनर्जी वापस लो, अपने पे ध्यान दो, माँ काली से कनेक्ट करो। माँ काली वहीं है आपकी हेल्प करने के लिए। जब तक आप माँ काली से एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन नहीं बनाओगे, माँ काली आपको आपकी सिचुएशन में गाइड नहीं कर पाएंगी। तो माँ काली से जितना हो सकता है नवरात्रि में कनेक्शन क्रिएट करो, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। एंड माँ काली का आपको ये मैसेज है, भले ही आप इस टाइम बिगर पिक्चर अपनी सिचुएशन की वजह से नहीं देख पा रहे हो, बट माँ के पास आपके लिए कुछ बेहतर है, ठीक है। आई होप ये रीडिंग आपको हेल्प करे, आपके लाइफ में जो भी सिचुएशन है, प्रॉब्लम है, वो जल्दी ठीक हो। बस आपने ट्रस्ट करना है, माँ काली से अपना कनेक्शन इस टाइम स्ट्रांग रखना है। नवरात्रि का टाइम है, बेस्ट टाइम है माँ की एनर्जी से कनेक्ट करने का। सो ऑल द वेरी बेस्ट एंड थैंक यू सो मच। जय माँ काली।